चंद्रपुर जिले के नागभीड़ परिसर में घोड़ाझरी तालाब एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां अक्सर छुट्टियों के दिन भारी संख्या में पर्यटक जमा होते हैं और निसर्ग रम्य वातावरण का आनंद लेते हैं। और वहीं 15 अगस्त को यहां पर प्रवेश के लिए पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी किस संदर्भ में लगाई गई है, आइए जानते हैं इस खबर में। 15 अगस्त को ध्वजारोहण समाप्त होने पर परिसर के पर्यटक घोड़ाझरी तालाब पर बड़े पैमाने पर भीड़ करते हैं, जिसके कारण यहां पर कायदा तथा सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होता है। जिसके कारण इस वर्ष नागभीड़ के प्रादेशिक वन कार्यालय ने 15 अगस्त को घोड़ाझरी तालाब पर जाने पर पाबंदी लगा दी है और इस संदर्भ में एक पत्र भी निकाला गया है। नागभीड़ से लगभग 7 किलोमीटर के अंतर पर रहे मुख्य प्रवेश द्वार तथा किटाड़ी खड़की यह प्रवेश द्वार बंद होने से चौपहिया वाहनों के पार्किंग का प्रश्न निर्माण होता है। साथ ही पर्यटक अपने साथ खाने का साहित्य लाते हैं और उसका इस्तेमाल किए जाने पर वहीं पर डालकर चले जाते हैं और जिससे हर तरफ अस्वच्छता का वातावरण छा जाता है और वन्य प्राणियों को भी धोखा निर्माण होता है। साथ ही घोड़ाझरी वन परिसर में बड़े पैमाने पर वन्य प्राणियों का भी आवागमन होते रहता है और जिसके कारण किसी भी प्रकार का अनुचित प्रकार भी वहाँ पर हो सकता है और इस दिन भरपूर पुलिस बंदोबस्त भी नहीं मिलता। ग्राम पंचायत किटाड़ी बोरमाड़ तथा बहुजन रिपब्लिकन सोसाइटी पार्टी के सदस्यों की ओर से भी घोड़ाझरी तालाब पर प्रवेश बंदी की जाए ऐसा निर्णय लिया गया है। अगर कोई जबरदस्ती से यहाँ पर प्रवेश करेगा तो उस पर कार्रवाई होने की बात भी इस आदेश में उल्लेख किया गया है। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि अमर बुद्धार पवार की रिपोर्ट।